हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रॉयल इनफिनिट के इस नया सा क्यूट सा वीडियो 350 फायरबॉल के बारे में। सो चलते क्या क्या, क्या है इसमें, फुल रिव्यू देंगे आज आप लोगों को। सो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो ये है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 350। सो फायरबॉल वेरिएंट है और ये इंजन कैपेसिटी आप लोगों को बता देता हूँ। ये 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है और एयर कूल्ड है और FI इंजन के साथ आता है। और इसका रियर टायर 140/70 का है, 17 इंच का टायर है और फ्रंट टायर का है 100/19 इंच का टायर है। सो ये थोड़ा सा क्रूज बाइक जैसा फील देता है। और रियर डिस्क आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये बाइक के ड्यूअल चैनल ABS के साथ आता है और इसका एक स्पेशल एक कस्टम कलर बाइक है। इस बाइक को बुक किया था 5 महीने पहले और 5 महीने के बाद ये बाइक मिला डिलीवरी के लिए। सो पीछे आप लोग देख सकते हो, ये टेल लाइट है और हेलोजन का टेल लाइट है और पीछे इंडिकेटर बल्ब और ये शॉक एब्जॉर्बर मोनोशॉक नहीं है। और इसका टैंक का लुक बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये जो है ये प्लास्टिक का है, ये अगर मेटल का दिया होता तो अच्छा रहता और भी देखने में मजा आता और फील करने में भी मजा आता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा मीटर कंसोल है, लुक भी बहुत एनहांस कर दिया इसका। और साइड मिरर, तो सामने यहाँ पर हेलोजन के साथ LED बल्ब भी दिया हुआ है, हेलोजन हेडलाइट है। और इसका आप लोग देख सकते हो लुक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और सो ये बाइक भाई ने लिया है नया। सो ये रहा भाई, तो बताओ इसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक है, क्या क्या फायदा है इसका, फ्यूल कितना देता है। सो ऐसा खास तो मेरे को ऐसे मतलब कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब नया नया लिया है तो ये सिंपली मतलब हल्का सा पता है। मेरा भी चैनल है बिंग प्रिंस, वहाँ पे मतलब चैनल भी चेकआउट करना। नॉर्मली मतलब टैंक कैपेसिटी 15 लीटर का है और इसका मतलब एक शोरूम प्राइस है 2,03,000 रुपये, तो ऑन रोड पड़ेगा 2,30,000। और क्या क्या बताया तूने, सब कुछ ऑल क्लियर है? हाँ क्लियर तो कर दिया, लेकिन जो भी रह गया वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, फिर रिव्यू करके फिर भी मतलब बता दूंगा। नॉर्मली जो आता है तो उसमें मतलब ये नहीं मिलता है, इंजन गार्ड नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये सब एक्सेसरीज में पड़ता है। तो इसका कॉस्ट एक्सेसरीज में मतलब 10,000 गया है। हाँ एक्सेसरीज में, तो एक्सेसरीज में 10,000 गया है। तो एक्सेसरीज मतलब को ऑन रोड में नहीं पड़ता है, वो अलग सा बिल आता है। तो यहाँ पे आउट टैंक में दिखाते हैं, मतलब इसका एक मतलब और दो वेरियंट है, सुपरनोवा और स्टीलर। और वहाँ पे मतलब ये जो टैंक है, यहाँ पे मतलब ये जो रॉयल एनफील्ड बेजिंग है वो अलग स्टाइल में दिया हुआ है और ये पुराना लुक में है, मतलब ये क्लासिक लुक में आता है। ये बेसिकली थंडरबर्ड का लुक, थंडरबर्ड का नया वर्जन है ये। तो लेकिन थंडरबर्ड का कुछ भी नहीं है इधर, थंडरबर्ड का कुछ भी नहीं है, फुल्ली रिफ्रेश इंजन है, कुछ मतलब हाइब्रिड तो है ही नहीं यहाँ पे, बिंदास चला सकते हो। तो इतना ही, और मतलब ज्यादा खास पता नहीं मेरे को। और फ्यूल अभी तक टेस्ट किया? मतलब अभी तक मतलब क्या हुआ, सर्विसिंग नहीं हुआ एक भी, उसके बाद टेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है।